आपको कहीं लगी तो नहीं? मैडम मुझे तो कहीं नहीं लगी, लेकिन आप सॉरी क्यों बोल रहे हो? गलती मेरी है, मेरा ही ध्यान और कहीं पता नहीं लगी तो नहीं है? नहीं नहीं मुझे बोलिए। भैया एक चॉकलेट दे देना। एक कुरकुरे का पैकेट भी दे दीजिएगा। कितने की है भैया? भैया कितने की है? ये आपकी 40। लेज है चिप्स एक दे दीजिए। कितने का है? आपके 40, आपके 40। मेरे 40 हो गए, मेरे 40 मेरे भी काटो। ये लीजिए। पापा जी अब तबीयत कैसी है आपकी? ठीक है बेटा, पहले से बेहतर है। मेरे डॉक्टर साहब से बात हो गई है, कह रहे हैं आप बहुत जल्दी अच्छे हो जाओगे। ये सब तुम्हारी मेहनत की तो नतीजा है बेटा। जी पापा जी ऐसे कीजिए, पापा जी आप थोड़ा आराम करिए, मैं सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करके आती हूँ, फिर घर चलते हैं। ठीक है। ठीक है डॉक्टर साहब। नमस्ते जी, बताइए कौन? पापा जी एडमिट है ना मेरे, सतीश कुमार के नाम से। ठीक 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 ठीक। वैसे आपके पापा जी की काफ़ी हालत सुधार है जी। और बढ़िया है, आज वेल ओरली टेक लिया उन्होंने, ओरल बढ़िया लिया है, और आप आज चाहें तो आप डिस्चार्ज करा सकते हैं। ठीक है, ठीक है। बट जो है इनको जो बेड रेस्ट घर पे देना है आपको जी। ठीक है, और ये मान के चलिए कि 10 रुपये पीते हैं। हाँ सर, मानते ही नहीं है, लेकिन बहुत कम पीते हैं। बहुत कम पीते हैं। उनसे बोलिए अगर रहना है इस दुनिया में, जीना है अगर इस दुनिया में, तो ये दारू ना पिए। ठीक है, क्योंकि इनके लीवर में जो है सूजन आई हुई है, लीवर की जो मेडिसिन है वो कम से कम 1-2 महीने 3 महीने चलेंगे इनकी। ठीक है, आप ओपीडी में बीच बीच में दिखवाते रहे, और डिस्चार्ज लेटर बना देता हूँ मैं। ठीक है, बाकी काउंटर पर जाकर अपना पास लेके आप और। ठीक है, ठीक है, ध्यान रखना इस बात। भैया दवाई देना। 1150 रुपये। 1150। ये लीजिए। मेरे पास छुट्टे नहीं है। छुट्टे तो मेरे पास भी नहीं है, देख लीजिए आपके पास होगा। देखिए मेरे पास होते तो मैं आपको क्यों बोलता। देख लीजिए ना भैया, बहुत इमरजेंसी है मुझे। ना ना आपको देखिए देख। बस सर मेरे पास चेंज है, आप इनमें से रख लो। अरे ये आप क्या कर रहे हैं? अरे मैडम आपको दवाई की जरूरत है, आप दवाई ले जाइए, मेरे छुट्टे बाद में दे देना, क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, थैंक यू थैंक यू। यार क्या प्यारी सी लड़की थी, क्या प्यारी सी आवाज़ थी, प्यारी सी आवाज़ में बोला थैंक यू। 150 रुपये में इतना प्यारा थैंक यू, मन तो करता है यार उससे शादी कर, बड़े खूबसूरत लड़की, देखते हैं कल करते हैं उसे प्रपोज।
यहाँ आ जाता हूँ मैडम कभी कभी देवी के दर्शन करने के लिए। कभी कभी क्या, भगवान के दर्शन तो रोज करने चाहिए। आप तो भगवान के दर्शन रोज ही किया करूँगा। वाह बोले बाबा, अब तो आपके दर्शन रोज ही किया करूँगा। भैया एक सीएनसी का बिस्किट हमें भी दे दो। अच्छा जी और दो भैया दे रहा हूँ भैया। मैं काफी दिनों से देख रही हूँ तुम मेरा पीछा कर रहे हो, मुझे फॉलो कर रहे हो, आखिर चाहते क्या हो तुम? पसंद करता हूँ मैं आपको, प्यार करता हूँ आपसे। पसंद करते हो, प्यार करते हो, ये सब करने के लिए भी कुछ बनना पड़ता है और बनने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अरे तुम्हारे जैसी उम्र के यंग लड़कों को तो अपने माँ बापों का नाम रोशन करना चाहिए, एक अपनी अलग पहचान बनानी चाहिए। और जिस दिन तुम्हारी पहचान बन जाएगी उस दिन तुम लड़कियों के पीछे नहीं बल्कि लड़कियाँ तुम्हारे पीछे भागेंगी। और जिस दिन तुम ये पहचान बना लो ना तो मुझसे मिलने आना, वरना उससे पहले अपनी शक्ल मत दिखाना, समझे? लड़की कह के तो सही है, आप कुछ बन के ही दिखाना पड़ेगा। चलो बनते हैं। आकाश भाई कैसे हो? आकाश भाई कैसे हो? अरे हाँ नरेश भाई मैं ठीक हूँ। कहाँ से आ रहे हो? नरेश भाई बस थोड़ा सा परेशान है। परेशान हो? क्यों परेशान हो भाई? नरेश भाई छोड़िए, वो मेरी आपसी बात है, पर नरेश भाई ये बताओ ये ऑटो में कितने पैसे कमा लेते हो तुम? तो मैं 1800 रुपये कमा लेता हूँ और थोड़ा सा मेहनत कर लेता तो 1500 रुपये तक का हो जाता है मेरा डेली का। 1800 1500 तो नरेश भाई मुझे एक ऑटो किराए पे मिल जाएगा क्या? आप ऑटो चलाओगे? आपको ऑटो चलाने की क्या जरूरत है, आप तो हीरो हो ना। अरे नरेश भाई वो सब चीज़ मैंने छोड़ दी, मैं अपनी मेहनत के दम पे कुछ बनना चाहता हूँ, कुछ करना चाहता हूँ, ईमानदारी के साथ रहना चाहता हूँ। तो आप ऑटो चलाओगे? हाँ नरेश भाई। ठीक है तो मेरे साथ आप बैठिए, मैं आपको ऑटो देता हूँ। मेरे पास 2 ऑटो हैं, एक आप ले लो एक मैं ले लेता हूँ। ठीक है नरेश भाई दे दो मेरे को, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। तो ठीक है मैं आपको अभी चल के देता हूँ, मेरे साथ बैठो। ठीक है नरेश भाई। ठीक है
कहाँ चलेंगे भाई साहब? पहुँचने वाला हूँ मैं, पहुँचने वाला हूँ बस। ठीक है ठीक है, ओके, थोड़ा तेज चलो भाई। लगता है पिक्चर हो गया सर। ठीक है भाई, मेरी बोल देती है, तो ठीक ठीक है। अरे सर का तो बैग रह गया। अरे इसमें तो इतना सारा नोट है। कार्ड किसका है? मंतसा प्रॉपर्टी डीलर। क्या करूँगा मेरे का यार, अगर जो मैं इन्हें रख लेता हूँ तो मेरी जिंदगी बन जाएगी। और जिस दिन तुम्हारी पहचान बन जाएगी, उस दिन तुम लड़कियों के पीछे नहीं बल्कि लड़के तुम्हारे पीछे भागेंगे। यार लड़की ने बोला था कि अपनी मेहनत से कुछ करना है, मेहनत से करूं या इन्हें रखूं? इसमें एड्रेस लिखा हुआ है, मैं अपनी मेहनत से ही कुछ बन के दिखाऊंगा। इनके पैसे इन्हें वापसी दे देता हूँ। चलता हूँ उनके पास। नमस्ते सर। नमस्कार। ओ सर, ये आपका बैग मेरे ऑटो में रह गया था। आपको पता इसमें क्या है? हाँ सर, मैं जानता हूँ इसमें काफी पैसा है। मैं चाहता तो इन्हें आराम से बैठ के खा भी सकता था, लेकिन मेरे को अपनी मेहनत से, अपनी ईमानदारी से कुछ बनना है। ओ वेरी गुड, हमें बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। क्या करते हो आप? सर मैं चलाता तो ऑटो ही हूँ। कहाँ तक पढ़े लिखे हो? सर मैंने ग्रेजुएशन किया हुआ है और मैं आर्किटेक्ट भी क्लियर करा हुआ है। मुझे ऐसे ही ईमानदार शख्स की जरूरत थी, क्या आप मेरे साथ काम करोगे? सर मैं बिल्कुल आपके साथ काम करना चाहूँगा, मैं चाहता हूँ कि और मैं अच्छा काम करूँ। मेरी साइड पर काम चल रहा है, क्या आप वहाँ पे कुछ देर होंगे काम करोगे? हाँ सर बिल्कुल काम करूँगा। चलो ठीक है, मैं आपको एक बार साइड दिखाता हूँ। सर दिखा दीजिए साइड। ओके सर। ये हमारी दूसरी साइड है, इसका 90% काम हो चुका है, ठीक है ना? और बाकी का काम तुम्हें देखना है, बिजली का टंकी वगैरह काम देखना है, ठीक है ना? सर मैं देख लूँगा, बिल्कुल बेफिक्र रहो। ठीक है सर। जी सर। ये काम क्या बंद पड़ रहा है? सर ये दीपावली की 2-3 दिन की छुट्टी रहती है ना, तो उसी वजह से बंद पड़ा है। अच्छा अच्छा, दीपावली की छुट्टी होती है। दीपावली की छुट्टी के बाद इसको काम को शुरू करवाओ। ठीक है। जी सर, रोटी कहाँ से मंगाई है? सर ये राजस्थान से आई है। इन्हें बदलो, रोटी अच्छी नहीं है। नहीं सर, वो मिस्त्री जी कह रहे थे कि लेंटर में यही रोटी चलेंगी, सबसे अच्छी क्वालिटी की है। अरे मास्टर जी, ये अच्छी क्वालिटी की नहीं है रोड़ी, इसीलिए बदलने को बोल रहा हूँ। अच्छी क्वालिटी का माल चाहिए, नंबर वन का। मुझे भी नंबर वन पे पहुँचना है। मास्टर जी। जी सर। ये पहली ईंट है। जी सर हाँ, ये पीली है, ये तो मैंने नींव भरने के लिए मंगाई है। अरे मास्टर जी, नींव के लिए भी मुझे अव्वल नंबर की ईंट चाहिए। यार आप इतनी सी बात क्यों नहीं समझते हो? ठीक है सर, जैसा आप कह रहे हैं ऐसा ही होगा। अरे चाचा, चाचा लाइट कैसे नहीं आ रही है? बंद करवाई है तो चालू करो सर, लेबर रुकी पड़ी है, काम नहीं हो पा रहा। चलो मैं देखता हूँ। यहाँ तो लाइट है चाचा, कनेक्शन इसके अच्छे उधर से हैं। चाचा ये इसका एक तार जला हुआ है, इसे इलेक्ट्रिशियन को बुलाकर दिखाओ। सर वो जो हमारी दूसरी साइड चल रही थी उसका काम तो फाइनल हो गया है।
और बाकी ये जो हमारी साइड चल रही है ये भी बिल्कुल फाइनल ही है, बस खाली इसका वोट वाइज का काम रह गया है। तो आप देख सकते हो ये पेपर वगैरह सबकी पेमेंट वगैरह कर दी है। शाबाश आकाश, ऐसे ही मेहनत करते रहो, मुझे बहुत अच्छा लगा, ईमानदारी से काम कर रहे हो। आज मैं आपकी ईमानदारी से आपको कुछ गिफ्ट करना चाहता हूँ। आकाश, जो साइड मैंने तुम्हें दिखाई है उसकी देखरेख तुम करोगे और ये साइड मैं ऑफिस में तुम्हें गिफ्ट कर रहा हूँ। सर मुझे ऑफिस गिफ्ट कर रहा हूँ? सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो आपने मेरी मेहनत और ईमानदारी से खुश होकर मुझे ऑफिस गिफ्ट किया। मुझे लगा तुम ईमानदार हो, मुझे लगता है कि तुम ऊपर तक जाओगे, बहुत मेहनत करोगे, बहुत तरक्की करोगे। सर मैं बहुत मेहनत, बेस्ट ऑफ लक। ठीक है सर, धन्यवाद। मैं भी सर का नाम बहुत ऊंचा करूंगा, अपनी मेहनत और हिम्मत से ऑफिस को इतना आगे ले जाऊंगा हद से ज़्यादा। बहुत एक ही ऑफिस किया, ऐसे मैं कितने ही ऑफिस खोलूंगा, कितनी तरक्की करके दिखाऊंगा। ऊपर वाले बहुत बहुत धन्यवाद तेरा, और धन्यवाद सर का जो मुझे इस लायक समझा। सर जी पांच बज गए, पांच बज गए, देखिए। अरे मास्टर जी आप भी पूरी आप ही थे, आप तो जा सकते थे। ये सर आपको छोड़ के मैं कैसे चले जाता? चलो ठीक है मास्टर जी, अब चलते हैं। चलिए सर। मास्टर जी। जी सर। आप फ्रेश होकर ऑफिस आ जाना, जो सेक्टर दो के इस साइड का काम है वो शुरू हो गया है, तो मैं आज से उस साइड पे बैठूंगा। ठीक है सर, मैं घंटा डेढ़ घंटे बाद फ्रेश होकर के ऑफिस आ जाता हूँ। ठीक, चलो।
नमस्ते सर। नमस्ते रवि सर, आपने जो ऐड के लिए बोला था, हाँ मैं ऐड एजेंसी सर गया था, ठीक है, तीन पेपर में ऐड लगवा दिया है, बहुत अच्छा गया, बाद बाकी सोमवार को इंटरव्यू है। चलो वो सोमवार को तो इंटरव्यू ले लेंगे। एक काम और था, मुझे एक पर्सनल सेक्रेटरी की जरूरत थी, तो रवि आप उसकी एक ऐड और लगवा। जी सर, ठीक है। अरे निशा जी सर, इधर आ। बोले हमारी साइट चल रही थी, उसका काम कंप्लीट हो गया है। अच्छा। जो उसमें थोड़ा वुड वर्क का काम रह रहा है ना, तो आपके पास केडीएम वालों का नंबर होगा, तो उनसे बोलो जो वुड वर्क का काम रह रहा है उस काम को देख लो, और मुझे कंप्लीट चाहिए। ओके सर। ओके, आप फोन करो। हेलो हेलो सर, केडीएम जी सर, सर मैं न्यूमन चाचा बिल्डर से बोल रही हूँ। जी सर, जो हमारी साइट फोर है ना, आप उसको विजिट कर लीजिए। जी आकाश सिंह ने बोला है, जो उसका वुड वर्क है ना, आपको ही कंप्लीट करना है। जी सर, ओके सर, थैंक यू। हो गया जी सर, ठीक ये और कह रहा था, जो हमारा नया ऑफिस खुला है जी, तो उसमें मैंने पर्सनल सेक्रेटरी के लिए इंटरव्यू के लिए बुलाया जी, तो उस ऑफिस की ओपनिंग भी है और इंटरव्यू भी है, तो आप भी उधर जाना, आपकी देख रेख में सब कुछ होगा। ठीक है सर। ठीक है मैं ठीक।
चलो ठीक है, छोटे मोटे काम यार खुद निपटा लो। हाँ मैं यहाँ। कोई सब इतना बड़ा ऑफिस तुम्हारा, इतना शानदार ऑफिस ये सब मेरा ही है। सिमरन आपके दिए हुए धोखे ने मुझे अकेला रहना सिखा दिया और किसी के प्यार ने मुझे जीना सिखा दिया। बाकी जॉब के लिए आई हो ना? ठीक है आप उधर जाके बैठ जाइए। अरे यार तुम यहाँ ऑफिस है मेरा क्या? ये ऑफिस और तुम्हारा? अरे ये ऑफिस मेरा ही है। बट कैसे? उस समय पहले आपने मुझे इतनी अच्छी बुरी बातें की जो मेरे दिल को लग गई। उन्हीं बातों से प्रेरित होकर मैं आज यहाँ तक पहुँचा हूँ। मैंने इतनी मेहनत की कि मैं यहाँ तक पहुँच गया, पर आप यहाँ कैसे? मैं तो जॉब अप्लाई करने आई थी और सॉरी मैंने उस दिन आपको बहुत कुछ बोला जो मुझे नहीं बोलना चाहिए था। मैं उस बात के लिए बहुत शर्मिंदा। अगर तो उस समय आप मुझसे ऐसा नहीं बोलती, मुझे प्रेरित नहीं करती, तो हो सकता है कि मैं यहाँ तक नहीं पहुँच पा। आपकी ही बातों से प्रेरित होकर मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, तो इसलिए आपको सॉरी बोलने की कोई ज़रूरत नहीं। आप जॉब के लिए आए हो? आपको जॉब की क्या ज़रूरत पड़ गई? और घर की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर आ गई, बस उन्हीं रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाने के लिए जॉब ढूंढनी चाहिए और ये जॉब मुझे 100% चाहिए। अरे जॉब क्या, आप कोई सी भी जॉब ले लो पर ये ऑफिस ही आपका है। जो कुछ बातें आपने कही थी उन्हीं बातों से प्रेरित होकर मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, ये सब कुछ आप ही की देन है। और हाँ मैं तो आपका नाम तक नहीं जानता। मेरा नाम आकाश है, आपका क्या नाम है? मोनी खन्ना। मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूँ। क्या? कि आप मुझे बहुत अच्छी लगा, बहुत खूबसूरत और शादी कर। शादी करने के लिए एक साथ क्या हुआ तो शादी नहीं कर सकती। मैं भूल गई थी कि आज तुम्हारा स्टेटस क्या है और मेरा क्या है। अरे मोनी इतनी सारी बात आपने मुझसे कही, उन्हीं बातों से प्रेरित होकर मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, आप इतनी छोटी सी बात क्यों नहीं समझती? जो लड़की मुझे इतना समझा सकती है, इतना प्रेरित कर सकती है, मुझे यहाँ तक पहुँचा सकती है, वो लड़की मुझसे शादी करके कहाँ से कहाँ को जा सकती है ये मैं जानता हूँ। तो आप ये छोटा बड़ा छोड़ो, कर लो मुझसे शादी। करोगे ना शादी? पक्का। तो चले घूमने? घूम लो। रुको, क्या हुआ? मुझे मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूँ। ना तो मैं झूठा हूं और ना ही मेरा प्यार। काश मैं तुम्हें पहले